वो देखिए, एम्ब्रियोब्लास्ट जो है, जिसको हम इनर सेल मास भी बोलते हैं, ये इसका सबसे पहले स्टेप क्या है कि ये डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर से ये छूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो इसका अपर पार्ट है वो कॉल्यूमिनर सेल्स बनाएगा और जो लोअर पार्ट है वो क्यूबॉइडल सेल बनाएगा। जो अपर पार्ट होता है उसको एपिब्लास्ट भी कहा जाता है और जो लोअर पार्ट होता है उसको हाइपोब्लास्ट भी कहते हैं। जो कॉल्यूमिनर सेल्स से लेयर बनती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं और जो क्यूबॉइडल सेल्स से लेयर बनती है उसको एंडोडर्म कहते हैं। अब जर्म लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, एक्टोडर्म एंडोडर्म बन गया, मेसोडर्म भी बनेगी थोड़े टाइम के बाद। अब देखो, जब ये एपिब्लास्ट डिटैच होना स्टार्ट होता है तो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो है वो क्या करती है, कैविटी बना देती है, ठीक है। कैविटी बनाती है अबव एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट के ऊपर भी एक कैविटी बनाती है और हाइपोब्लास्ट के नीचे एक कैविटी बनाती है। जो कैविटीज़ बनती हैं वो है एमनियोटिक कैविटी एंड यॉर्क सैक रिस्पेक्टिवली। और जिस सेल्स से जो कैविटी बनती है उन सेल्स को बोलते हैं एमनियॉन, मतलब वो लेयर बन जाती है ना, तो एमनियॉन से बनती है एमनियोटिक कैविटी और हर्शर्स मेम्ब्रेन से बनती है यॉर्क सैक। अब ये दो कैविटीज़ बन गई, ठीक है, कौन सी, एमनियोटिक्स कैविटी और यॉर्क सैक। तो ये दो कैविटीज़ जो हैं सेपरेट हो रही हैं ट्रोफोब्लास्ट के लिए, ट्रोफोब्लास्ट के साथ। देखिए, ये है ट्रोफोब्लास्ट और ये है एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक कैविटी डिटैच हो चुकी है ना, ये फिर एक कन्वर्ट इसके अंदर फिर एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक बन गया। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी दो कैविटीज़ जो हैं सेपरेट हो गई हैं ट्रोफोब्लास्ट के साथ, ठीक है। तो इस ट्रोफोब्लास्ट और इन दो कैविटीज़ के बीच में टिशू फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, उस टिशू को कहते हैं मेसोडर्म, ठीक है, इसको मेसोडर्म कहते हैं। अब ये मेसोडर्म जो है ये एम्ब्रियोनिक कैविटी के बाहर पड़ा है, बाहर ही है फिलहाल तो ये सारा टिश्यू, ठीक है। सो ये बाहर पड़ा है, तो अब क्योंकि ये बाहर पड़ा है किसके, एम्ब्रियोनिक कैविटी के, इसलिए इसको नाम दे दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है इसने डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाना मतलब इसमें स्पेसेस पैदा हो जाएंगे, कुछ यहाँ स्पेसेस पैदा हो गए, ठीक है, जैसे लैक्यूने बनने स्टार्ट हो गए थे सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। अब ये स्पेसेस या कैविटीज़ भी बोल सकते हैं इनको, ये क्या करेंगी, एक लेयर बना लेंगी, ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गए, ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे करके एक लेयर बना लेंगी, ये लेयर बन गई, ये वाली लेयर बनी है, ठीक है, दिस इज़ लेयर, ये लेयर बन गई किस किस के साथ में, एमनियोटिक कैविटी के अलोंग आगे पीछे बन गई, ठीक है, यॉर्क सैक के आगे पीछे बन गई और साइटोट्रोफोब्लास्ट के आगे पीछे बन गई। पर ये लेयर जो है ये देखो, यहाँ पर ये अटैच्ड है विद द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सो ये लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट के अलॉन्ग बन रही है, क्योंकि ये जो चीज़ बनी है, ये चीज़ ये साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स की वजह से ही बनी है। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के अलॉन्ग बन गई ये लेयर, ठीक है। बट ये लेयर जो है स्टिल कनेक्टेड रहती है विद द ट्रोफोब्लास्ट एट वन एंड, ये इस एंड पे ये कनेक्टेड है, इसको कहते हैं इस कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। और ये कनेक्टिंग स्टॉक जो है बाद में लेटर ऑन एम्बिलिकल कॉर्ड में डेवलप हो जाएगा। देखिए, हमने ऊपर कहा था, ये कहा था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है जो डिफरेंशिएट करेगा, तो अब ये डिफरेंशिएट कर रहा है कनेक्टिंग स्टॉक के बाद ही डिफरेंशिएट कर रहा है दो चीज़ों में, स्प्लेनोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये जो स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म है ये यॉर्क सैक के इर्द गिर्द बन रहा है और जो सोमैटिक है ये साइटोट्रॉफिक ट्रोफोब्लास्ट के इर्द गिर्द बन रहा है। इन दोनों लेयर्स के बीच में, स्प्लेनोप्लूरिक लेयर और सोमैटोप्लूरिक लेयर के बीच में जो स्पेस बनेगा उसको कह देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। अब इतना सब, ये सब कुछ हमें समझ में आ गया। तो ट्रोफोब्लास्ट और जब सोमैटिक प्लूरिक
लेयर बन गई मेसोडर्म की इसके इर्द गिर्द, तो इन दोनों को इकट्ठे को हम बोल देंगे कोरियोन। इन कोरियोन से उत्पन्न होंगे विलाई जिसको हम बोल देंगे कोरियोनिक विलाई। अब देखो साथ साथ में एम्ब्रियो एनलार्ज हो रहा है, तो इस यॉर्क सैक को क्या है मेसोडर्मल पुल लगती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मेसोडर्मल पुल लगती है। सोमैटिक भी पुल नीचे की तरफ लगेगी और स्प्लेनिक पुल, मेसोडर्म मेसोडर्म की लेयर्स है ना, मेसोडर्म डिफरेंशिएट हुई है सोमैटिक और स्प्लेनोप्लूरिक में, तो इनकी जो है पुल लगती है इसको यॉर्क सैक को, ठीक है। तो ये यॉर्क सैक प्राइमरी यॉर्क सैक था, फिर इसका साइज़ क्या है रिड्यूस हो जाता है, इसका साइज़ रिड्यूस हो जाए। ये यॉर्क सैक जो था हर्शल्स मेम्ब्रेन से बना था, इतना हमें याद है हर्शल्स मेम्ब्रेन से बना है, हर्शल मेम्ब्रेन है ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर्स बनी थी फिर यॉर्क सैक बना था। देखिए यहाँ जो ये यॉर्क सैक बना है, ठीक है, ये बना था ना, हर्शल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको और इसको एमनियन बोलते हैं, और ये कैविटी और ये यॉर्क सैक कैविटी है। तो ये यॉर्क सैक प्राइमरी यॉर्क सैक कैविटी, इसका साइज रिड्यूस हो जाता है या छोटी हो जाती है। अब हमें पता है, इतना भी हमें पता है कि ये एंडोडर्म सेल्स होते हैं और यहाँ एक्टोडर्म सेल्स होते हैं, तो ये एंडोडर्म सेल्स जो हैं अभी इसका प्राइमरी यॉर्क सैक का साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है, फिर वो सेकेंडरी यॉर्क सैक में बदल जाएगा और सेकेंडरी यॉर्क सेल जो है वो एंडोडर्म सेल से बनी होगी। सो हम कह सकते हैं जो कि न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी यॉर्क सैक स्मॉलर है साइज में देन द प्राइमरी यॉर्क सैक एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल लेयर। सेकेंडरी यॉर्क सैक को हम डेफिनेटिव यॉर्क सैक भी बोलते हैं, कई डायग्राम्स में इस वर्ड का यूज हुआ होगा। लास्ट थिंग जो हो रही है सेकेंड वीक में वो है प्रीकॉर्डल प्लेट की फॉर्मेशन। प्रीकॉर्डल प्लेट मतलब जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं वो हैं क्यूबॉइडल, वो इलोंगेट होने लगते हैं कॉलमिनर सेल्स में, ठीक है, ऐसे ऐसे इलोंगेट होने लग पड़ते हैं, ये ऐसे ही पर लंबे होने लग पड़ते हैं। जब वो कॉलमिनर सेल्स में इलोंगेट हो जाते हैं तो पक्की फॉर्मेशन हो जाती है प्रीकॉर्डल प्लेट की। अब इस प्रीकॉर्डल प्लेट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है सिफेलोकॉर्डल एक्सिस। सिफेलो मीन्स टूवर्ड्स हेड, कॉर्डल मीन्स टूवर्ड्स फिट फुट। तो प्रीकॉर्डल प्लेट ऐसे बनेगी, जैसे मान लीजिए ये एमनियोटिक कैविटी है और ये यॉर्क सैक है, प्राइमरी यॉर्क सैक नहीं सेकेंडरी यॉर्क सैक, ठीक है, यहाँ पर बन रहे हैं ये बनते हैं प्रीकॉर्डल प्लेट, ये बन रही है प्रीकॉर्डल प्लेट यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारा कनेक्टिंग स्टॉक। तो ये प्रीकॉर्डल प्लेट क्या है सिग्निफिकेंस इसका, कि सिफेलोकॉर्डल एक्सिस बन गई, सिफेलोकॉर्डल एक्सिस, ये बना सिफेलोकॉर्डल एक्सिस, दिस इज सिफेलोकॉर्डल एक्सिस। सिफेलो मीन्स यहाँ हेड है, जहाँ पर प्रीकॉर्डल प्लेट बनती है वहाँ हेड की फॉर्मेशन हो रही है ऑफ एम्ब्रियो, और जहाँ पर कनेक्टिंग स्टैक की फॉर्मेशन है, जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पर बन रहा है टेल ऑफ एम्ब्रियो, सिफेलोकॉर्डल एक्सिस ये आ गया, यही इसका सिग्निफिकेंस है।